मेरा नाम हिमांशु है, मैं इस संस्था में उपप्रधान हूँ और हम डीसी साहब को ज्ञापन देने आए थे पूरा रोष प्रदर्शन करते हुए। पूरी महिला शक्ति हमारे साथ थी, हमारा पूरा हमारी पूरी संस्था, पूरा समाज, गुड़गांव की सारी संस्थाएं हमारे साथ हैं। सब ने अपने रिटर्न लेटर हेड पर हमें दिया लिख के और हमारे साथ भी चले। इवन हमारे कुछ पार्षद को छोड़ के इवन पूरे शहर के पार्षद, सारी संस्थाएं सब हमारे साथ चली यहाँ तक आई। उसके सर जो दो शरारती तत्व हैं, विकास आर्य और काकू मन चंदा, वो पार्क के ऊपर अननेसेसरी जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं दबंगई दिखा के। उनका मोटिव ये है, स्टेज के आगे पौधे लगा के इनका किसी भी तरीके से इनका मंचन नहीं होना चाहिए, रामलीला नहीं होनी चाहिए। भाजपा की सरकार होते हुए भी सरकार राम मंदिर बना रही है और ऐसे लोग रामलीला रुकवाने के लिए रुके हुए हैं और कुछ राजनेता उनका साथ दे रहे हैं, खुलेआम साथ दे रहे हैं। अब क्या कदम होने वाला है सर? हम तो डीसी साहब के आगे खड़े हैं, जो डीसी साहब आदेश देंगे हम सर, अगर परमिशन नहीं मिलती तो हम रामलीला नहीं करेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ हम फिर खुला मोर्चा करेंगे, क्योंकि प्रशासन के खिलाफ हम नहीं जा सकते। परमिशन अगर हमें प्रशासन देगा हम तो ही रामलीला करेंगे, अदरवाइज हम रामलीला नहीं करेंगे। मैं संजय तनेजा, वरिष्ठ उप प्रधान न्यूनतम रामलीला क्लब। ये हमारे प्रधान श्री सर, हमारे महाराज श्री विशाल भाई चुड़ामणि जी, जो कि गतिनिशीन है श्री गोपीनाथ मंदिर के, वहाँ पर 60 साल से उसी स्थान पर ही, उसी मंच पर ही 60 साल से जलसा होता रहा है, जहाँ हम 44 साल से रामलीला कर रहे हैं। इनके अध्यक्षता में होता है हमारे महाराज श्री पूज्य श्री स्वामी धर्मदेव जी महाराज करने के लिए। तो उसका एक मानसिकता वाले जो गलत मानसिकता वाले दो तत्व हैं जिनका नाम अभी लिया गया है, उनकी मानसिकता ये है कि रामलीला नहीं होने देंगे। किस लिए हम पाप कर रहे हैं क्या? धर्म को कौन दे रहा है? शायद देने वाले देखिए आप करिए, पीछे से आपका जो चल रही है विशेष नाम क्या लेंगे? आप सब समझते हैं, जो भी करा रहे हैं सब समझते हैं, हम नहीं कर सकते किसी का नाम। परंतु हम सिर्फ रामलीला करने के लिए बेड़ा उठा रखा है, रामलीला ही करेंगे। जय श्री राम का नारा लगाएंगे, राम जी के देश में हम पक्के होकर चलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। एक महीने से हम हर सरकारी दफ्तर अफसरों के चक्कर काट रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कमिश्नर साहब, डीसी साहब, नेताओं को साथ ले जा जा के टाइम ले रहे हैं, क्योंकि आम आदमी को टाइम तो देते नहीं, हम किसी लीडर को साथ लेके जाना पड़ता है। चलो जी, हमने मंजूर किया, सारी कार्रवाई होने के बाद हमारी रामलीला के फायर डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन लगा दिए 3। हमने उसका जवाब दायर किया, उस जवाब से संतुष्ट होकर जो हमारे अग्निशमन अधिकारी हैं उन्होंने हमें एनओसी प्रदान किया। उनके एनओसी के बिहाव पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, एमसी जी ने, मीना जी ने, कमिश्नर जी ने हमें 4 तारीख को एनओसी प्रदान की और हमें 6 तारीख को नहीं पता चला, जबकि 6 तारीख को उन्होंने हमारी एनओसी कैंसिल कर दी बिना हमें बताए। हम तैयारी करने में लगे थे, जो हमारे विरोधी पक्ष हैं माफिया लोग, वो लोगों को दिखा रहे हैं कि रामलीला कैंसिल हो गई है और वो बर्फियां बांट रहे हैं।